गुजरात एटीएस की टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी का लगातार पर्दाफाश किया है। बीते सप्ताह राज्य के 5 जिलों में छापेमारी के बाद 54 अवैध हथियार जब्त किए गए थे, साथ ही में 9 अपराधियों को हिरासत में भी लिया गया था। उसी तफ्तीश में अवैध हथियार मामले में 10 और आरोपी समेत 50 और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। नेपाल बॉर्डर के जरिए गुजरात में पहुंचाए जाते विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, पर इतनी बड़ी मात्रा में मिले विदेशी हथियारों का कब, कहां और किस लिए इस्तेमाल होने वाला था, इसको लेकर आरोपियों से पूछताछ जारी है। आ तपास में वधु तपास दरमियान जुदा जुदा 9 आरोपियों की धरपकड़ करवामां आवी हती। 54 हथियारों कब्जे लेवामां आव्या हता, जेमां इंडियन तथा इम्पोर्टेड वेपन हता। 15 जेटला फॉरेन मेड वेपन, पिस्तौल, राइफल कब्जे करवामां आवी हती। अंदाजित 80 लाख मुद्दाभाल कब्जे करवामां आव्या हता। वधु तपास दरमियान आ कामे 14 जेटला व्यक्तिओने डिटेन करवामां आव्या छे अने वधु 51 हथियारों कब्जे लेवामां आव्या छे, जेनी अंदाजित किंमत 1.5 करोड़ रूपया जेटली गणी शकाय। आ मुद्दा माल कच्छ, मोरबी, भड़वद वगैरह अलग अलग कच्छमां रापर, अबड़ासा वगैरह जगह कब्जे लेवामां आव्या छे, जेमां इम्पोर्टेड वेपन, रूगर, वाल्थर, कार्बाइन जेवा हथियारों कब्जे करवामां आव्या छे। हळवद मोरबी जिल्लाना हळवद गामना दिग्विजयसिंह झाला नामना एक व्यक्तिए तरुण गुप्ताने एक पिस्तौल, ऑटोमेटिक पिस्तौल वेचेली हती। आ तपास दरमियान वधु जाणवा मळ्युं के तरुण दिग्विजयसिंह झाला इम्पोर्टेड वेपनो 14 जेटला बहारथी लई आव्या हता। हवे आ तपास दरमियान आ इम्पोर्टेड वेपनो क्यांथी मेळवामां आव्या हता ए तपास ए दिशामां तपास चालू छे। हालमां ए दिशामां तपास चाली रही छे, पण ए नकारी न शकाय के इंडिया बहारथी पण आ वेपनो आव्या हता।